मौसम बदला, नेतृत्व बदले, लेकिन नहीं बदल रहे हैं तो कांग्रेस की हालात। ऐसे में कैसे लगेगा 2024 का बेड़ा पार? जी हां, कांग्रेस पार्टी की कमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। 24 साल बाद कांग्रेस किसी गैर गांधी परिवार के हाथों पार्टी का नेतृत्व सौंप रही है, इस उम्मीद के सहारे कि नए नेतृत्व से पार्टी के हालात बदलेंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्यों की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के भीतर आपसी मनमुटाव की खबरें आज भी उतनी ही चर्चा में है जितने की पहले के नेतृत्व के दौरान बनी हुई थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी रार और तकरार किसी से छिपी नहीं है, और ये क्यों हो रहा है इसकी एक झलक हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तरफ जहां गहलोत कैबिनेट के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आला कमान को जल्द सीएम पद पर फैसला लेने वाला बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी मीडिया के सामने पीएम मोदी की तरफ से गहलोत की तारीफ किए जाने वाले बयान देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही पायलट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो गहलोत के उन वफादारों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सचिन पायलट ने बुधवार को जो बयान दिए उसमें उन्होंने गहलोत गुट के उस मुद्दे का भी काउंटर अटैक कर दिया जिसमें गहलोत गुट बार बार उनकी वफादारी पर सवाल उठाता है। वहीं केसी वेणुगोपाल की तरफ से राजस्थान सीएम पद को लेकर दिए गए बयान ने एक और दो दिन में फैसला करने के मुद्दे को भी हवा दे दी है। इधर खड़गे को भी इस बात का अंदाजा है कि उन्हें राजस्थान में संकट का पहला अनुभव तब हुआ था जब पार्टी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था। इस दौरान उन्हें और वरिष्ठ नेता अजय माकन को गहलोत खेमे के ज्यादातर विधायकों ने नकार दिया था। उन्होंने विधायक दल की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। वहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर विधायकों ने इस्तीफा देकर प्रदेश में सियासी संकट लाने तक के संकेत दे दिए। अब इन्हीं सब हालातों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में उन पर अब सियासी संकट के कई सारी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं।